नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। पटना में डेंगू के मरीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं। एक मरीज की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर के अब भाजपा ने तेजस्वी यादव, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है और कहा है कि जो आपकी सोई हुई सरकार है वो जागे और लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करे। न फॉगिंग की व्यवस्था है, न साफ सफाई की व्यवस्था है मोहल्ले में। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री नितिन नवीन। जिस प्रकार से पटना शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है और हर वार्ड, हर मोहल्ले में, और कह सकते हैं कि तकरीबन हर घर में डेंगू के मरीज और हमारे पटनावासी उससे पूरी तरह से ग्रसित हो गए हैं और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। मैंने आज इसीलिए तेजस्वी यादव जी से आग्रह किया है पत्र के माध्यम से कि आपकी सोई सरकार जागिए, क्योंकि आज बिहार में के साथ साथ पटना शहर में जिस प्रकार से प्रकोप बढ़ा है और लगातार पटना में उसके मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और पटना शहरवासी इससे पूरी तरह से परेशान है। न फॉगिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो पा रही है, न सरकार के प्रशासन का ध्यान इस ओर है। जो एंटी लार्वा छिड़कने का काम होना चाहिए था उस पर भी कोई ध्यान नहीं है, और अस्पतालों में जो प्लेटलेट की कमी है जिसके कारण से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, ये सारी समस्याएं आज पटना शहर में हैं। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से इस भयानक बीमारी का जो घर घर में पहुंच रहा है, लेकिन सरकार का नींद नहीं टूट रहा है। इसलिए मैंने आज पत्र के माध्यम से तेजस्वी यादव जी से आग्रह किया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए पहल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से पटना में एक बड़ा संक्रमण का रोग बनेगा और इसके कारण पटनावासी पूरी तरह से परेशान है। अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले समय में इस विषय को लेकर हम लोग और सड़कों पर उतरेंगे। तो सुना आपने नितिन नवीन को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सोई सरकार जो है वो जागे और लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था करे, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है, कई लोग इसके चपोट में आ चुके हैं, लेकिन सरकार जो है सो रही है, सरकार का कोई इस पर ध्यान नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री को नितिन नवीन ने पत्र लिखा है और कहा है कि लोगों के लिए बेहतर काम करें। तो बीजेपी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से जवाब मांग रही है और कह रही है कि बिहार में या फिर पटना में डेंगू के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। तो जवाब मांगा है और जवाब के माध्यम से क्या कुछ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, अब देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।